नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो जिस विषय पर हमने इससे पहले कभी चर्चा नहीं की, और ये विषय आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो लोग ट्रस्ट करते हैं इन चीज़ों पर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, ऑकल्ट साइंस, इन सारे चीज़ों पर, पामिस्ट्री और ये सारी, सो बेसिकली तभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग डेफिनेटली कई लोगों से ओपिनियन लेते होंगे और कई लोगों के पास गए होंगे, कई लोगों से ओपिनियन लेते होंगे, और जो लोग इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते वो भी ज़रूर लेते हैं। जब उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब होती है तो वो लोग एक ट्राई समझ के भी जाते हैं, बस बताते नहीं हैं कि मैं किसी से सजेशन लिया हूँ। मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट आते हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं रखते थे, और बाद में जब कंसल्टेशन होता है तो देखा तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। जो भी है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, बुरा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, बुरा न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छा पामिस्ट, बुरा पामिस्ट, या अच्छा टैरो कार्ड रीडर, बुरा टैरो कार्ड रीडर, मतलब कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाला, कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली चीज़ें जो भी है जो प्रैक्टिस करते हैं, उनमें अच्छा या बुरा कैसे पहचाने? क्योंकि देखिए, गलत तो हर कोई इंसान हो सकता है। सर्जन भी हर एक सर्जरी में गारंटी नहीं देता जान बचाने की, या फिर सचिन भी हर मैच में मैच जिताने की गारंटी नहीं देता था, धोनी नहीं दे सकते, विराट कोहली नहीं दे सकते, इवन साइंटिस्ट नहीं दे सकते। हमारा अभी अभी चंद्रयान अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन उससे पहले भी फेल्यूर हुआ। तो इवन साइंटिस्ट जो कि ग्रेटेस्ट माइंड है दुनिया के, वो भी एवरी सिंगल टाइम एक्यूरेट नहीं हो सकते। लेकिन लोग एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट से बहुत उम्मीद करते हैं कि ये हर बार सही हो और एकदम एग्जैक्ट बताए आपको किस डायरेक्शन में, कितने बजे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं होता, ये सारी गाइडलाइन है, लेकिन डेफिनेटली हेल्प होती है। आपने मेरे वीडियोस में देखा है कि कई बार मैं ऐसे प्रेडिक्शन कर चुका हूँ जो अगेंस्ट विंड है। जैसे 2020 में मैंने बोला था कि ये साल पूरी दुनिया के लिए खराब आएगा। 2019 में, 18 में मैंने प्रेडिक्शन डाला कि 2019 में शरद पवार सत्ता में बैठेगा, जबकि मेजॉरिटी में बीजेपी एनसीपी थी महाराष्ट्र में, बीजेपी और शिवसेना थी, फिर भी एनसीपी पार्टी में सत्ता में बैठी किसी रीज़न से, चाहे वो ये योगी है कि वो चीज़ें बदलती है और वो चीज़ें होती है। 2021 के बीच में मैंने ममता बनर्जी का प्रेडिक्शन दिया था, जबकि एग्जिट पोल, न्यूज़ चैनल, सट्टा बाजार सब में बीजेपी फेवरेट था। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सारे पार्टी के क्लाइंट हैं मेरे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा किसी से कोई पर्सनल कोई प्रेम है या किसी से पर्सनल मेरी दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मुझे जो नंबर गाइड करते वो मैं बताता हूँ। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी, आपने 2023 के भी प्रेडिक्शन देखे जो कि कई सारे एक्यूरेट रहे। सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार एक्यूरेट हूँगा, लेकिन हाँ, एक गाइडलाइन ज़रूर मिलती है। जैसे इस साल मैंने कुछ चीज़ें बोले थे कि अंडर वाटर चीज़ें, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ेगा, आपने देखा कंजक्टिवाइटिस इस साल का सबसे ज़्यादा। तो मैंने कोई एक्स्ट्रा, मैंने कोई मुझे आके कोई भगवान ने उतर के ये चीज़ें नहीं बताई, मैंने बस ये सोचा कि 7 नंबर किन किन चीज़ों का रूलर है, मैंने उससे चीज़ें रिलेटेड चीज़ों के बारे में बोला कि ये चीज़ें हो सकती है। सो ऐसी सिंपल है एस्ट्रोलॉजी में भी कई सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन मिलती है। इवन पुराने ज़माने में जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे वो तो आज से कई गुना आगे थे, हमसे कई गुना आगे थे। आपने कई हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कई रिलीजियस बुक्स में पढ़ा होगा, कई सारे हर धर्म ग्रंथ में, चाहे वो मुस्लिम वाला हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर इसमें एस्ट्रोलॉजी के कोई ना कोई इंसिडेंसेस है। जैसे बुद्ध धर्म में है कि जब वो बॉर्न होने वाले थे तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि ये दुनिया का या तो सबसे बड़े योद्धा बनेंगे, सब सम्राट बनेंगे, या फिर बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे। सो ये चीज़ें हुई है और होती भी है। पुराने ज़माने में कई इंसिडेंसेस हैं इनके कि आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो अटैक करने का समय या किसी पे मतलब युद्ध का समय भी निर्धारित करते थे, या उन चीज़ों के हिसाब से शुरू करते थे, जो भी है। सो पुराने बहुत आगे थे क्योंकि पुराने ज़माने के मेथड्स अलग थे। जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल पद्धति थी, लोग वहाँ जाके, बच्चा कम उम्र में वहाँ जाके जवान होने तक वहीं पढ़ता था, सारी चीज़ों से दूर, सारे प्रलोभनों से दूर, वो उसकी सोशल लाइफ से दूर, वो वहाँ जाके सिर्फ पढ़ता था। तो उस वजह से वो नॉलेज ज़्यादा एक्वायर करते थे। आज सारी कमर्शियल चीज़ें हो गई है, आज एक कोर्स करके लोग सीधा प्रैक्टिस करते हैं ताकि पैसे कमा पाए। आज तो एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी आती है सोशल मीडिया की कि आपको अगर पैसे कमाने हैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट बन के, हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप हमारा कोर्स कर लो, ये जो भी कर लो, या 2 दिन में सीख जाओ। 2 दिन के वर्कशॉप होते हैं कि 2 दिन में ये सीख लो, 2 दिन में वो सीख लो, 3 घंटे का मास्टर क्लास, 6 घंटे का मास्टर क्लास। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी बड़ी चीज़ें लोग सालों में सीखते थे, वो आप इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे सीखेंगे? सो ये एक प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से लोग सीधा पैसे कमाने के पीछे जा रहे हैं, इसलिए ये नॉलेज खराब हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या ये सारी चीज़ें गलत है, ये बहुत परफेक्ट है, लेकिन इसको पढ़ने वाले, इसको प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं,
वो इनएफिशिएंट हो रहे हैं। तो इनएफिशिएंट और एफिशिएंट लोगों के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है, ये कैसे जानेंगे, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा डिफरेंस कि जो पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको ये प्रूव करूंगा। जैसे बहुत साल पहले जब मैं इन चीज़ों में प्रैक्टिस नहीं करता था और मैं यंग एज में था, मेरा मेडिकल में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था किसी वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और मेरा ईयर ड्रॉप होता तो मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया। सो ऐसी मैं एक और एस्ट्रोलॉजर के पास गया था जो टीवी पे न्यूज़ चैनल पे आते थे और बाद में वो हमारे शहर आए हुए थे। सो वो साल में एक दो बार विजिट करते थे और फिर उनका ऐड चलता था रेडियो पे और न्यूज़पेपर में और फिर लोग उनसे मिलने जाते थे। तो मेरे भी एक सीनियर मुझे ज़बरदस्ती वो उनके पास लेके गए कि इनके पास चलो देखते हैं पूछते हैं। सो मैंने उन्होंने उनके पास प्रिंटेड कुंडली आई दूसरे रूम से, दूसरे डोर से, हम सामने से आए, उन्होंने ऐसी देखी, दो मिनट में पूछा आपके क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन पूछो, तीन क्वेश्चन ऐसे देखे और मुझे तीनों के आंसर दिए। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, और उन्होंने बोला था नहीं, और मैं उनसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मे बी उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं, मैं उनको ये नहीं बोलूँगा, चलो वो तो टीवी पे आते हैं, शायद मुझसे भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन ठीक ठाक कर रहा हूँ मैं अभी। उन्होंने उनको एक और क्वेश्चन पूछा था कि मैं इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में क्या मैं इस लेवल पे पहुंच सकता हूँ, उन्होंने वो भी मना कर दिया था और वो मैं लेवल अचीव करके आ चुका हूँ जो भी है। सो ये मैं ऐसा नहीं कहता एस्ट्रोलॉजी गलत थी या मेरे एस्ट्रोलॉजी चार्ट में ये प्रेडिक्शन था, एस्ट्रोलॉजी चार्ट रीड उन्होंने किया, एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनाया या एस्ट्रोलॉजी उन्होंने नहीं बनाया। सो वो प्रेडिक्शंस उन्होंने डीपली देखे ही नहीं। दो मिनट में कहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ की प्लेसमेंट कितने डिग्री पे है, कोई उसको, कोई उस योग को काटने वाला कोई दूसरा कोई योग तो नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं देखा। दो मिनट में ऐसे ऊपर से देखे प्लानिटरी पोजिशन और बोल दिया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, और उन्होंने जो बोला ये हो सकता है वो ही नहीं हुआ। सो द थिंग इज कि मैं ऐसा नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, वो एस्ट्रोलॉजी क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ है। सो ये लोग नंबर ऑफ कंसल्टेशन जब करना चाहते हैं तो क्वालिटी हैम्पर होगी जब क्वांटिटी के पीछे जाएंगे। सो जो बंदा क्वांटिटी के पीछे जा रहा है, आपको 10 ही मिनट दे रहा है, 5 ही मिनट दे रहा है, वो डेफिनेटली गुड एस्ट्रोलॉजर में नहीं कहलाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हम आज भी एक ही कंसल्टेंसी रखते हैं, इसलिए हमारे किसी वीडियो में हमारा नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाता ताकि हमें बहुत कॉल्स आए और फिर हम उतना कर ही नहीं पाए। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो जेन्युइनली चाहते हैं कंसल्टेशन वो ढूंढ के वेबसाइट इससे उससे, फिर उस टाइम पे कॉल करके, उस स्पेसिफिक टाइम पे कांटेक्ट करके, वेट करके, पेशेंस करके जो हम तक पहुंचते हैं बस उन्हीं को, उन्हीं के कंसल्टेशन करते हैं। क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है, मैं एक दिन में एक से ज़्यादा नहीं चाहता, क्योंकि गलतियाँ हो सकती है, आप लोगों के लाइफ के डिसीजन मेरे गाइडेंस पर डिपेंड करते हैं, आप लोगों को किस फील्ड में जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये शादी किससे करनी चाहिए, ये सारे डिसीजन आप लोग हमसे पूछ के लेते हो, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अच्छे से देखें, ठीक से एनालाइज करें, एटलीस्ट कुछ मिनट तो दे कैलकुलेशन में। जो लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे वो समझ लीजिए कि वो आपके लिए सही नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस कि टप को टाइम कितना देते हैं। सेकेंड डिफरेंस आप ये देखिएगा कि वो लोग सिर्फ मैं कर सकता हूँ बोल रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ ये बोल रहे हैं, मैं कर सकता हूँ ये कॉन्फिडेंस हो गया, सिर्फ मैं कर सकता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। इसके लिए भी मैं एक उदाहरण बताता हूँ। ऐसे ही मैं किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, मेरे शहर के नामचीन एस्ट्रोलॉजर थे, जिनके पास मैं इसलिए गया था कि मेरी एडमिशन नहीं हो पाई, मैंने मार्क्स ले लिए एंट्रेंस एग्जाम में, मेरा नंबर भी लग गया मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मेरे पैसे की वजह से एडमिशन नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये अंगूठी बनाओ इतनी इतनी, उसका जाप सिर्फ मैं करके दूंगा और किसी से नहीं कराना, वो जाप मैं करके दूंगा, वो अंगूठी आपको मैं दूंगा, वही अंगूठी पहनना है तब आपको। उन्होंने अमाउंट इतनी बताई कि उसके 10% भी होते मेरे पास पैसे तो उस पैसे में मेरी एडमिशन हो गई रहती। सो ये एक चीज़ थी कि उन्होंने सिर्फ मैं कर सकता हूँ वाला फैक्टर बताया। जैसे मेरे पास कई बार जब कोई आते हैं तो पहले कंसल्टेंसी किसी से करके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई अंगूठी पहन के होते, मैं उनको जनरली निकालने नहीं बोलता। इवन मेरे जो क्लाइंट ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर आपने अभी भी पहना है तो कुछ टाइम दीजिए उसको, रेमेडीज को असर होने को टाइम लगता है, साथ में मेरी भी रेमेडी यूज़ करिए लेकिन वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, वो भी अपने लेवल पर कुछ ना कुछ सोच के, उन्होंने कुछ स्टडी करके ही दिया होगा। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो गलत, हाँ अगर बहुत निगेटिव हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको निकाल के ये ट्राई करके देखिए, लेकिन जनरली मैं क्रॉस नहीं करता किसी और को। सो सिर्फ मैं कर सकता हूँ ये मेरे
न्यूमरोलॉजी ये मैंने बनाया हुआ तो नहीं है, मैं तो इसका सिर्फ स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ इसका प्रैक्टिशनर हूँ। मैं ये सोचूं कि ये सिर्फ मुझे ही आता और किसी को नहीं आता तो ये गलत होगा। सभी लोग अपने अपने लेवल पे उनके उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर रहे हैं और हर फील्ड में थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा सभी का होता है। मतलब कोई अगर आप भी आईटी इंडस्ट्री में हो तो हर बार आप परफेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं बना पाओगे, सो ऐसे इसमें भी है। बट सब लोग प्रैक्टिस कर रहे, कोशिश तो करते ही अच्छे। सो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना करूँ कि जिसके वजह से उनको ये लगे कि मतलब कि मैं दूसरे को क्रॉस कर रहा हूँ या सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ ये गलत है, मैं कर सकता हूँ ये सही है। सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरी दी हुई रेमेडी फॉलो करिए, बाकी सब निकाल दीजिए, ये एक रॉन्ग फिलोसॉफी है, ये एक रॉन्ग है। ये एक चीज़ देखिए, ये हो गया सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें, जो कि पुरानी एस्ट्रोलॉजर की कॉमन लैंग्वेज है, आप पैसे बहुत कमाते हैं, आपके पास टिकते नहीं है, ये सभी पे लागू होता है, मुझ पे भी लागू होता है, आप पे भी लागू होता है, आपके रिलेटिव पे भी लागू होता है, सबके पास पैसे आते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम जैसे ही पैसे आते हैं किसी चीज़ में खर्च करते हैं, क्योंकि हमने पहले से दिमाग में सोच के रखा था कि जब पैसे आएंगे मुझे ये खरीदना है या मुझे ये लैपटॉप खरीदना है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये कार खरीदनी है, मुझे ये प्रॉपर्टी खरीद, क्योंकि हमारी लगी हुई है वो सारी चीज़ें, हमारे मटेरियलिस्टिक गोल हमारे साथ चिपके हुए हैं एज के साथ साथ, सो इसलिए हम वो खरीदते ही, हम खर्च करते ही है। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये बोलते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं, आपको फल नहीं मिलता। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो दिन भर इंस्टाग्राम देखते रहते हैं और बोलते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं है। ये कौन सी मेहनत हो गई भाई? सबको ऐसी लगता है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, लेकिन आपसे भी दुनिया में आपसे भी ज़्यादा मेहनती लोग हैं जो दुनिया में 18-18 घंटे मेहनत करते हैं। आप एक्टर्स का सक्सेस देखते हो कि ये एक्टर वाह वाह क्या शाहरुख खान कितना कितना सक्सेसफुल है, बट ये नहीं देखते आप कि जब कोई मूवी के वक्त इनको टाइम नहीं मिलता है, दिन भर शूट करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो रात को वर्कआउट करते हैं, रात को 12:30 बजे इन लोगों ने वर्कआउट किया। कई सारे एक्टर्स हैं कि जो रात को जिम करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, नींद कम लेते हैं, 4-4 घंटे सोते हैं और सारी मेहनत करते हैं। वो होती है मेहनत, वो होता है तभी सक्सेस मिलता है। लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत हूँ, दिन भर मोबाइल स्क्रोल करेंगे, 2 घंटे से पढ़ाई करेंगे और बोलेंगे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ सर, लेकिन मेरे को सक्सेस ही नहीं मिल रहा। सो आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको फल नहीं मिलता, ये सभी को लगता है क्योंकि आपकी साइकोलॉजी का स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है। आप वैसे ही सोचते हो कि मैं बहुत हार्डवर्किंग हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा दुनिया में बहुत सारे हार्डेस्ट वर्कर है दुनिया में, बहुत ज़्यादा, और आप उनके पीछे बहुत पीछे हो। ये आप अगर रियलिटी में अगर आप फैक्ट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन हम हमारे एक अलग ही दुनिया में जीते, हमारे माइंड में एक दुनिया बना के चलते, इसलिए हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम खुद की मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी हम एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी हो, सो वो एक चीज़ होती है। सो इसलिए वो एक फैक्टर है कि आप ये देखें कि साइकोलॉजिकल लैंग्वेज। तीसरी एक साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है कि आपको मैके में बहुत प्यार मिलेगा, ससुराल में नहीं मिलेगा। अब मेरे खुद के एक रिलेटिव जो मेरी सिस्टर लगती है, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई और उन्होंने मुझे बताया, बोले एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, उन्होंने मुझे बहुत सही बताया था, बोले उनकी बातें बहुत सही थी। मैंने बोला क्या बताया था उनको? तो उनको बाकी कुछ याद नहीं था, उनको ये याद था कि उन्होंने बोला था कि मैके में बहुत प्यार मिलेगा, ससुराल में नहीं मिलेगा। अब ये कॉमन थिंग है, ये हर लेडीज़ के लिए, हर लड़की के लिए लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। फैमिली कल्चर डिफरेंट होता है, फैमिली का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। जो सासू माँ होगी वो 30 ईयर्स ओल्ड होगी, उनका सोचने का तरीका, उनकी जनरेशन गैप, तो उस वजह से वो सेम चीज़ें नहीं मिलेगी, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जो आपके घर पे था। डिफरेंट एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें डिफरेंट रहेगी, तो आपको ऐसी लगेगा कि यार यहाँ मुझे बहुत मिलता था, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये कॉमन, ये सभी को लग सकता है, तो ये कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शन नहीं हुआ। तो जो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें, वो आपके लिए प्रेडिक्शन सही नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजर वो आपको अगर पास्ट बता सकता है तो आपका फ्यूचर बता सकता है। वो आपको की पॉइंट्स अगर बता सकता हो कि आपको ये हेल्थ इशू है क्या, या आपको इस चीज़ से रिलेटेड इशू हुआ था क्या, आपको इस ईयर में कोई इंजरी एक्सीडेंट या हेल्थ इशू हुआ था क्या, आपको इस ईयर में आपका बिजनेस या जॉब स्टार्ट हुआ था क्या, या आपका इनकम सोर्स स्टार्ट हुआ था क्या, अगर वो परफेक्ट पड़ता है, वो परफेक्ट बैठता है, तो ही वो आपका फ्यूचर बता सकता है। अगर पास्ट नहीं बता सकता तो आपका फ्यूचर नहीं बता सकता। तो कुछ चीज़ें अगर आपकी कोरिलेट करती है टू द पॉइंट, मैं ये साइकोलॉजिकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा, तो ही वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, अदरवाइज वो बुरा एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं बोलूँगा कि ये एक पॉइंट होता है कि वो आपसे कितने अच्छे तरीके से जेल करते हैं, मतलब कि यूनिट बनने चाहिए। जैसे कि सिर्फ टाइम देनी एक बात नहीं होती है, कि ये भी एक बात होती है कि वो आपसे कितने अच्छा आपका यूनिट बनती है। जैसे मैं जब कंसल्टेंसी करता हूँ तो मैं हमसे बात करता हूँ कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये स्टोन पहनना चाहिए, या हमें ये बिजनेस करना चाहिए, या हमको आपको या हमको ये अल्फ़ाबेट लकी होगा, या जो भी है।
सो ये है कि मैं तब कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी जगह पे हूँ, मैं एक यूनिट बनने की कोशिश करता हूँ कि हम दोनों एक ही है, हम दोनों की एनर्जीज मिक्स हो गई है, हम दोनों की एनर्जीज एक है, तब जाके मुझे ज़्यादा गाइडलाइन आती है, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें उनके काम में आएंगी, या मैं उनकी जगह पे रह के जब सोचूंगा तो मैं और डीपली एनालाइज करूंगा और मुझे इंस्टिंक्ट्स आएंगे, सिक्स सेंस आएगा, बेसिक इंस्टिंक्ट्स आएंगे, मतलब कि मेरे अंदर की पूर्वाभास होगा या मुझे गाइडलाइन आएगी और मुझे कैलकुलेशंस ठीक आएंगे, तब वो मेरे बताए हुए रेमेडीज उन पर काम करेंगे। तो आपको उनकी एनर्जी मिक्स करनी है, जेल करनी, तो अपनापन महसूस होना चाहिए उनके बात करने में। ऐसा नहीं कि बस आप क्लाइंट है, ये कर लो वो कर लो, हो गया ख़त्म, ये लो लेके जाओ, ऐसा वाला सिस्टम अगर होगा तो वो आपके लिए सही नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर आपके लिए सही नहीं है। नो डाउट कई बार लोग इरिटेट करते हैं, बहुत सिली क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत बताने के बावजूद भी समझ नहीं पाते, इरिटेट करते हैं, गुस्सा तो हमें भी आ सकता है, मुझे भी आता होगा कई बार, बट एट द सेम टाइम मैं ये सोचता हूँ कि मैं इनकी जगह होता तो मेरे लिए क्या सही होता, मेरे लिए कौन से फील्ड सही होती, मेरे लिए कौन से नंबर सही होते। तो जब मैं उनकी जगह पे रह के उनकी एनर्जीज के साथ अपनी एनर्जी मिक्स करता हूँ, जब हम यूनिट बन जाते हैं तो कॉमन कॉन्शियसनेस वाली चीज़ें जब आ जाती है तो मुझे ज़्यादा अच्छी गाइडलाइन मिलती है, इसका मुझे फ़ायदा होते हुए दिखा है। तो ये भी एस्ट्रोलॉजर, गुड एस्ट्रोलॉजर और बैड एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटी कि कितना अपनापन से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा कि मैंने एक बोला कि रॉन्ग कैलकुलेशन जल्दबाजी में, उनको नंबर ऑफ़ कंसल्टेंसी करनी है, उनको टाइम तो कम देना है आपको लेकिन उनको नंबर ऑफ़ कंसल्टेंसी करनी है। तो जैसे मेरी वाइफ एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, उस एस्ट्रोलॉजर ने उनको प्रेडिक्शन दिया, सब कुछ लिख के दिया और भेज दिया, फिर जब वो वाइफ मेरे पास, जबकि मेरी वाइफ इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं रखती थी, लेकिन किसी के सजेशन पर वो किसी के पास चले गए और उन्होंने वो चार्ट बना के, वो जो भी बना के था वो मेरे सामने ला के रख दिया। मैंने बोला कि, मैंने वो पढ़ा और उस हिसाब से बोला मैं अब आपसे शादी नहीं करूँगा। तो बोले क्यों, बोला इस हिसाब से तो आप 40 साल के हो गए। सो उन्होंने 1991 की जगह 1981 कर दिया था, जो मेरी वाइफ का बर्थ ईयर था वो 1991 की जगह 1981 कर दिया था। सो सोचिए आप कि 1981 के हिसाब से उसने कैलकुलेशन कर दिया, 10 साल बड़ा होके पूरा चार्ट बना लिया, कुंडली बना ली और उसके हिसाब से रेमेडीज भी दे दी। सो ऐसी मिस्टेक्स नो डाउट हो सकती है कैलकुलेशन में, लेकिन अब आप जल्दबाजी करते हो, जब आप टाइम नहीं देते हो, जब आप नंबर ऑफ क्लाइंट चाहते हो, आपकी वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है, तब आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए ये चीज़ें देखिए कि जल्दबाजी में करते हैं तुरंत, वो भी एक गड़बड़ होता है, ये एक चीज़ है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर और बुरे एस्ट्रोलॉजर, या अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बुरे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे पामिस्ट या बुरे पामिस्ट में हो सकता है, वो ये हो सकता है कि वो लोग आपकी प्राइवेसी का या आपके आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्पेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल कई लोग, मेरे पास ये आया था, मेरे पास ये मिनिस्टर आया था, मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आते हैं, मैं कई बार बोलता भी हूँ लेकिन विदाउट परमिशन, किसी का नाम नहीं लेता। वही कुछ लोग बड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मेरे पास ये आया था, मैंने इसका प्रेडिक्शन दिया था, मैंने ये आया था, बहुत सारा पोस्ट करते हैं या बहुत सारा, मैं किसी मेरी फील्ड के किसी भी लोगों के बारे में कभी निगेटिव नहीं बोलता, ये आप लोगों ने देखा होगा, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, बट कई बार ऐसा होता है कि वो लोग इस चक्कर में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे अब मेरे पास एक बहुत बड़े क्रिकेटर क्लाइंट है जिन्होंने, जिनका मैंने सब कुछ चेंज किया, लेकिन उनके तरफ से ये था कि आप किसी को बताइए मत ताकि लोग मुझे सुपरस्टिशियस ना समझे, तो उनकी तरफ से परमिशन नहीं थी तो मैं उनका नाम यूज़ नहीं कर सकता था या जो भी था। सो द थिंग इज कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आप चल के उनका नाम ले रहे हो तो आप उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी लोगों के सामने बता सकते हो। तो कई बार लोग आपके लिए बहुत ही पर्सनल चीज़ें लेके आते हैं आपके पास, कि उनको इतनी पर्सनल चीज़ें होती है जो शेयर भी नहीं की जा सकती किसी और से भी शेयर नहीं की जा सकती, मैं अपने फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं कर सकता, इतनी पर्सनल चीज़ें होती है। तो फिर जब आप उनका नाम ले रहे हो तो फिर उनकी पर्सनल चीज़ें भी सारी दुनिया को बताओगे, तो अल्टीमेटली वो आपकी बदनामी कर सकते हैं। तो जो बार बार इस चीज का बहुत ढिंडोरा पीट सकते हैं कि मेरे पास ये मिनिस्टर आया था, मेरे पास वो आया था, सो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके बातों से, आपके नॉलेज से, आपके डिस्कशन से समझ में आ जाता है कि आप कितने अच्छे हो काम में या कितने बुरे हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ें देखोगे कि जो बार बार किसी चीज़ का, किसी पर्सन का नाम ले लेके उल्लेख कर रहा है कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाले, सो दैट मीन्स कि वो आपका भी नाम ले सकते। तो ये चीज़ें आपकी प्राइवेसी और आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप कई बार पर्सनल इशू लेके आते हैं, सो ये चीज़ें बाहर स्प्रेड हो गई तो अच्छी नहीं है, आपकी बदनामी हो सकती है और लोगों को दूसरों के निगेटिव्स देखने में बड़ा मज़ा आता है आजकल की दुनिया में। पहले जैसा सपोर्ट पहले जैसे नहीं रहे, दुनिया में कॉम्पिटिटिव हो गई है सारी दुनिया, तो ये भी एक चीज़ है कि इस वजह से भी आपने ये चीज़ भी नोटिस में रखनी चाहिए कि वो कितना आपकी प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ज़रूर ध्यान देने चाहिए, इसके भरोसे आप ये देख सकते हो कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर और कौन सा न्यूमरोलॉजिस्ट आपके लिए अच्छा है, कौन से एस्ट्रोलॉजर या कौन से न्यूमरोलॉजिस्ट या कौन से पामिस्ट या कोई भी आपके लिए काम करने वाले, आपके प्रेडिक्ट करने वाले आपके लिए सही है या गलत है, ये आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों पे आपकी गाइडलाइन डिपेंड करती है।
लोग पर्सन एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात या डॉक्टर की कही हुई बात या वकील की कही हुई बात कभी नहीं भूलते। 10 साल पहले वाली चीज़ें भी याद रहती है कि मुझे ये बताया था, मुझे ये बताया गया था। तो आपकी कई सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। एक और पॉइंट मैं बोल सकता हूँ जो आपको बहुत निगेटिव बोले, जो आपको बहुत डराए कि ये चीज़ आपकी प्लानिटरी पोजिशन तो ऐसी है, आपकी प्लानिटरी पोजिशन तो वैसी है, आपका हो ही नहीं सकता, तो उनसे भी बचिए। क्योंकि वो इसलिए डराते हैं ताकि आप फिर रेमेडीज़, उनके जो पेड वाले रेमेडीज़ है वो ज़रूर करें। इसमें एक और डिफरेंस, एक और पॉइंट है कि जो लोग बोल सकते हैं कि आप मेरे ही पास से चीज़ें खरीदें, मेरे ही पास से ये सारी स्टोन खरीदें, वो भी एक चीज़ हो सकती है कि वो आपके लिए निगेटिव हो। मैं ये नहीं कहता कि कई बार हाँ अच्छे स्टोन्स नहीं मिल पाते तो ज़रूर कोई एस्ट्रोलॉजर अपने निकाल के रखते हैं, लेकिन कई बार ये मुझसे ही ले सकते हो, किसी और से नहीं। सो वो भी चीज़ होगी कि पक्का उनके कुछ ना कुछ उसका मॉनेटरी गेन होगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर वो ऐसी फीस कम लेंगे और ऐसी फीस घुमा के ज़्यादा लेंगे तो क्या मतलब हो गया, उससे अच्छा तो किसी महंगे के पास जाए जो कि फीस ले रहा है लेकिन सीधे तरीके से ले रहा है और आपका अपने टाइम की कीमत ले रहा है, वो सही रहेगा। क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होगा इसलिए उतनी फीस रखेगा, नो डाउट। तो जैसे अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के अगर आपको टाइम दे रहा हूँ, अगर आपके लिए आपका कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो मैं उतने तो पैसे लूँगा जितने मैं मेडिकल प्रोफेशन में जितने कमा लूँगा एक दिन में, उतने तो लेना ही, उतना तो बनेगा ही। तो सेम चीज़ है कि पैसे सीधे मुँह से ज़्यादा लिए तो चलेगा, लेकिन नहीं आप ये कर लो वो कर लो, ये रेमेडी मेरे ही पास का स्टोन खरीदो, मेरी पूजा कर लो, तो ये ऐसे खाना हो गया, ऐसे खाने की जगह इधर उधर से घुमा के खाना हो गया। सो वो भी आपके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों के गाइडलाइन पर आपके बहुत सारे लाइफ के डिसीजन डिपेंड करते हैं। तो ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर और बुरा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बुरा न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छा ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाला अच्छा पामिस्ट या अच्छा टैरो कार्ड रीडर या बुरा टैरो कार्ड रीडर, ये सब चूज़ करने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। चूज़ वाइजली, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप आपके लाइफ के डिसीजन इन लोगों के डिसीजन पर लेते हो, तो चूज़ वाइजली। हम डॉक्टर भी चुनते हैं तो हम ये देख के जाते हैं कि इसने इतनी इतनी सर्जरी की है क्या इस चीज़ की, तभी हम उसके पास सर्जरी कराएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई करते, आप यहाँ पर भी अप्लाई करो। आप ये देख के जाओ कि अरे ये पंडित जी हैं और ये चीज का है और इनका, वो खुद के प्रेडिक्शन की पास्ट हिस्ट्री में उनके कुछ भी प्रेडिक्शंस नहीं पता आपको, तो जैसे पास्ट में उनके कितने पास्ट रिकॉर्ड है उनके बोलने पे नहीं, किसी और ने अगर वो बोला हुआ है या प्रूफ है, चाहे वो पेपर में आर्टिकल है या यूट्यूब पे है या सोशल मीडिया पे है कि हाँ हाँ इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था, तब जाके आप उनके पास्ट प्रेडिक्शन से जज कर सकते हो कि हाँ ही इज़ परफेक्ट इन हिज़ वर्क या फिर ये एफिशिएंट है। तब इस तरीके से चूज़ करिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आज आपको समझ में आए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप अगले बार जब आपका गाइड चुनोगे, अगले बार जब आपका गुरु चुनोगे, तो आप बहुत ही वाइजली चुनोगे, यू विल चूज़ वाइजली आई होप। और ये मैं आशा करता हूँ कि आप गलतियाँ नहीं करोगे। जब आप हर एक छोटी सी छोटी चीज़ इंक्वायरी करके देख लेते हो, मोबाइल भी खरीदना हो तो यूट्यूब पे टैली करके देखते हो कि किसके फीचर्स अच्छे हैं, किसका रिव्यूज़ अच्छे हैं, तभी लेते हो, तो फिर ये तो आपके लाइफ के डिसीजन की बात है। तो यहाँ पे भी आप सारी चीज़ें टैली करके फिर आप आगे जाइए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए, ये आप खुद टैली करके देख सकते हो। ये सारी लॉजिकल थिंकिंग है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई रॉकेट साइंस बताया आपको, जस्ट लॉजिकल थिंकिंग है कि हाँ ये ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ें बोला करते हैं लोग। 2 दिन का वर्कशॉप करके सोच लेते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। आजकल छोटे छोटे मास्टर क्लास, छोटे छोटे ये, और बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी बन गया। बहुत सालों की मेहनत, स्टडी, प्रूफ, उनका एक्सपीरियंस लगता है, तब जाके वो इस पर एक्सपर्ट बनते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अगले बार आप आपका गुरु चुनते हुए कोई गलती नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता मुझे चुनिए, किसी को भी चुनिए, दुनिया में मुझसे भी अच्छे लोग होंगे, मुझसे भी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर होंगे, लेकिन उनको चूज़ करते हुए इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। और अगले किसी वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे, किसी और इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।